छंदम असहाय परक्रमं महावीरं बंधुदय सत्तजुतं ओगादेसे तवं ओच्चं। कलापने जगन्य स्थितिबंध उत्कृष्ट स्थितिबंध उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी देखा और जगन्य स्थितिबंध और जगन्य स्थितिबंध के स्वामी अभी नहीं बता रहे, यहाँ पर जगन्य स्थिति बताई आठ मूल प्रकृतियों की और उत्तर प्रकृतियों में भी बताई। अब यहाँ पर एकेंद्र आदि की अपेक्षा से जो स्थितिबंध है उसकी अपेक्षा से बताएंगे। सबसे जगन्य स्थिति बताई थी बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव जो है सभी कर्मों की, मतलब जो बताए उसको छोड़ करके तीर्थंकर आहारक और देवायु नरकायु मनुष्यायु तिरंजय इन सबको छोड़ करके बाकी जो शेष प्रकृतियाँ रही हैं उसकी जगन्य स्थिति बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव करता है। तो सूक्ष्म ज्यादा पन्नम स्वयं सहसं च मिच्छवर बंधो इगि विगलाणम अवरम पल्ला संखूण संखूणम। एयम पणकदि पन्नम स्वयं सहसं क्रम से लगाना है, इगि विगलाणम एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय में एक सागर क्रम से लगाना, एक केंद्र में एक सागर मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बंध, एक केंद्र जीव मिथ्यात्व की स्थिति बांधेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक सागर ही स्थिति बांधता है, उससे ज्यादा स्थिति बंध नहीं होता है। पण करी मैंने 25 सागर, द्विंद्र जीव ज्यादा से ज्यादा बंध करेगा तो उसको इतना संक्लेश हो सकता है, 25 सागर बंध के योग्य संक्लेश हो सकता है। और पन्नम त्रिंद्र जीव ज्यादा से ज्यादा करेगा तो 50 सागर, चतुरिंद्रिय 100 सागर और असौग्नि पंचेंद्रिय 1000 सागर, ये सबसे उनके उत्कृष्ट स्थिति बताई, इससे ज्यादा स्थिति बंद नहीं होगा। हाँ विकल में लेना ना, विकल में आ जाएगा वह सौग्नि पंचेंद्रिय उसको सकल लेंगे। और एगी विकल आनंद कहा ना यहाँ पर, तो विकल में असौग्नि पंचेंद्रिय भी लेना, विकल चतुष्क कहते हैं तो वहां असौनी पंचेंद्र आता है, विकलत्रय कहते हैं तो असौनी पंचेंद्र नहीं लेते हैं, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्र लेते हैं। और उन वह कम से कम कितनी स्थिति बांधता है जगन स्थिति, तो बताए अवरम मुने पल्ल असंख ऊन संख ऊनम, पहला जो एकेंद्र जीव है उसमें जगन स्थिति बंध पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग कम करना, उत्कृष्ट स्थिति बंध में एक सागर में पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग कम करेंगे तो जगन स्थिति बंध होता है उनका। और द्विंद्र त्रिंद्र चतुरिंद्र असौद्नि पंचेंद्र में पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम करना है, ये मिथ्यात्व की अपेक्षा से बताया। हाँ इगी पल्ल असंखूनम और विगलानम पल्ल संखूनम असते, एक इंद्रिय में केवल पल्ल का संख्या तो भाग कम करना। एक एकेंद्रिय जो है इधर ध्यान दो, मिथ्यात्व की स्थिति यदि वो बांधता है तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांधेगा, एक सागर। अगर और जगन स्थिति कितनी करेगा, एक सागर में से पल्ले का असंख्यात्व भाग कम करना, एक सागर माइनस पल्ले में हाँ पल्ले का असंख्यात्व भाग कम करना। अब इसमें एक कम आता है वो अभी ऊपर जगन स्थिति निकालने के लिए बताएंगे, उस समय वो समझ में आएगा कि एक कम पल्ले का संख्या तो भाग कम करना है, मतलब वो एक घाटी किया तो भी वो पल्ले का संख्या तो भाग ही है, इसलिए वो जब गणित करेंगे ना तब तो समझ में आएगा। तो ये उत्कृष्ट स्थिति और
जगन्य स्थिति ये है। अब द्वेन्द्रिय जीव जो है वह उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर बांधता है, और इस 25 सागर में से पल्ल का संख्यात्वा भाग कम करना है, तो पल्ल यहां पर ये जो कम करना है वह द्विंद्र की अपेक्षा से छोटा लेना है, कम करने का भी प्रमाण जो है वह पल्ल का संख्यात्वा भाग, इसलिए संख्यात भाग और वहां बड़े आएंगे। अब चार बार है यहाँ पर नीचे, इसलिए इसको संख्या चार लिखा तो भी चलता है, और इसमें से कम करना है। छोटा घटाया, ये कम है ना संस्थिति, 25 अगर कम है तो उसके जगह स्थिति तक के जो भेद आएंगे वो कम आएंगे ना, इसलिए वो पल्ले का संख्या तो भाग ये जो घटाया है वो छोटा है, क्योंकि संख्यात भाग और बड़ा हो गए ना, तो इससे पल्ले को भाग देंगे तो लब्ध जो है छोटा आएगा, तो छोटी संख्या 25 सागर में से कम करेंगे, अब 50 सागर में से उसे थोड़ी बड़ी संख्या कम करेंगे ना, तो उसकी स्थिति भेद ज्यादा आएंगे ना। वही बोल रहे ना, 25 सागर कम है क्यों बड़ा है, बड़ा है, लेकिन ये संख्या छोटी है कि ये संख्या छोटी है, कौन सी ये बड़ी है संख्या, अरे छोटी है संख्या, बराबर है, ये असंख्या संख्या से अपन ने भाग दिया तो लब्ध छोटा है कि बड़ा आया, हाँ ये संख्या से भाग दिया, अरे असंख्या से भाग दिया ना, हाँ तो ये एकेंद्रिय के स्थिति भेद कम होंगे, उससे द्विंद्रिय के ज्यादा होंगे, उससे त्रिंद्रिय के ज्यादा होंगे, इसलिए वो संख्या में से आती है, तो त्रिंद्रिय जो है उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 50 सागर बांधता है, और उसके जो जगन्य स्थिति भेद स्थिति है वह 50 सागर में पल्ल का संख्यात्व भाग ही कम करना है, लेकिन इस संख्यात्व भाग से बड़ा आएगा वह, इसलिए एक भाग हर कम करेंगे उसमें, हाँ तीन बार संख्यात का भाग देंगे, और ये एक कम करते हैं इसमें, वो अभी बाद में पता चलेगा जगन स्थिति निकालते उस समय, ऐसे एक कम किया वो नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कम किया तो भी चलेगा, क्योंकि एक की कोई इतना कम ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जो करेक्ट गणित है उसकी अपेक्षा से लिखा है। चतुर इंद्रिय जो है वह 100 सागर की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, वहां उस पर्याय में जाते हैं ना, तो जो पहले पंचेंद्र सौधनी पंचेंद्र में ज्यादा बंद किया था वो भी वहां जाने के पर कांडक घात होकर के कम होती है स्थिति, या करण परिणाम के द्वारा कम होती है, और वहां अपने आप उस पर्याय की योग्यता है कि सत्ता की स्थिति जो है वो भी कम करते हैं, इसलिए क्षपित कर्मोशीक लेने के लिए सूक्ष्म में ज्यादा भेजते हैं, क्योंकि वह स्थिति बहुत कम हो जाती है, इसलिए हाँ। अभी इतनी होती है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन कांडक करता है वहां पर, मतलब वो स्थिति का घात चालू होता है, अभी पूरा मुझे भी क्लियर होना है कैसे कैसे, एक बार पड़ा हुआ है लेकिन सब याद नहीं है, बगला में आया हुआ है, उसमें स्थिति कांडक होते हैं उस पर्याय में जाने के बाद, स्वयं में वो पर्याय की योग्यता है वैसे, हाँ उसमें वो संचय कम होता है और उसके होते हैं, चलो आगे, हाँ निर्जरा उतने नहीं है लेकिन वो सत्ता में जो है वो उसके कांडक होते हैं, तो 100 सागर में पल्ले का संख्यात्व भाग कम करेंगे, यहाँ पल्ले को दो बार संख्यात का भाग देंगे, इससे बड़ी संख्या है वो घटाएंगे, और असौधनी पंचेंद्रिय,
हजार सागर की स्थिति बांधता है और जगन स्थिति हजार सागर माइनस यहाँ पर एक बारे पल्ले का संख्या तो भाग देंगे। और सौडनी पंचेंद्र तो अपने को बताइए, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति बांधता है मिथ्यात्व की, और जगन है वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर बांधता है। जो करण परिणाम के मतलब मिथ्यात्व के अंतिम समय में होगा और वह पहले से सातवें में जा रहा है, वो सबसे कम वहाँ मिथ्यात्व की स्थिति बांधेगा। पहले गुणस्थान से एकदम सातवें गुणस्थान में जाना, उसके परिणामों की शुद्धि ज्यादा है तो उसका स्थिति बंध अपसरण ज्यादा होगा ना, तो उसमें सबसे जगन स्थिति मिथ्यात्व की आएगी। हाँ किसकी कहा बताई, वो तो सामान्य की अपेक्षा से बताए, मिथ्यात्व की नहीं बताई, मोहनी की बताई, और वो केवल लोभ के लगाना, संज्वलन लोभ के, बाकी किसी के नहीं। नवे गुण स्थान के शतक श्रेणी पर अंतिम समय में जो स्थिति बांधते है वो अंतर्मूर्त है, इसलिए वो सब अपन स्थूल स्थूल देखा हुआ है ना, ये डिटेल बताएंगे यहाँ पर। वो भी लेकिन सबसे कम कहाँ होगी ये जगन स्थिति, वो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रायोगिक लब्धि से अंत कोड़ा कोड़ी सागर बांधता है, लेकिन सबसे कम फिर स्थिति बंध अपसरण होते जाते हैं ना, कम 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 स्थिति बंध होता जाता है, फिर जब करण परिणाम के लास्ट जो स्थिति बंध अपसरण होगा उसमें सबसे कम स्थिति बांधेगा, लेकिन उसमें भी पहले से चौथे में जाता है, उससे पहले से पांचवें में जाता है, उसकी स्थिति विशुद्धि ज्यादा है तो उसका स्थिति बंध अपसरण ज्यादा होगा तो उसकी कम स्थिति बंधेगी, और उससे भी पहले से जो सातवें में जा रहा है उसका स्थिति बंध और कम होगा। ऐसे मतलब ये सब अपने तर्क से अपन लगा सकते हैं कि परिणामों की विशुद्धि सबसे ज्यादा जब होगी तब सबसे ज्यादा जगन विशुद्धि बंधेगी, तो पहले गुणस्थान में सबसे ज्यादा विशुद्धि कब होगी, तो पहले से सातवें में गुणस्थान में जाता है और कर्म परिणाम अंतिम समय में है तो वहां पर सबसे ज्यादा विशुद्धि होगी। अब यहाँ बाकी के कर्मों की जो स्थिति है वो इसके अनुपात में निकालना है सरासरी में। ये जगन स्थिति का भी अभी पूरा डिटेल आने वाला है आगे, पहले वह अन्य कर्मों की स्थिति कितनी बांधता है, एकेंद्र की एक सागर, एकेंद्र जो मिथ्यात्व की एक सागर बांधता है तो वह चालीस ए की कितनी बांधेगा, मतलब चारित्र होने की कितनी बांधेगा, ज्ञानावरण की कितनी बांधेगा, सबके एक सागर नहीं, केवल मिथ्यात्व के एक सागर बांधता है एकेंद्र जीव, तो वह यदि चारित्रम होने की बांधता है तो कितने कितनी स्थिति बांधेगा, वह तो राशि करके निकालेंगे उसको, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। तो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर वाले की एक सागर बांधता है, हाँ सबकी निकाली, एक दो त्रय राशि देखा तो फिर वैसा सब अपन निकाल सकते हैं। सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर की एक सागर बांधता है तो चालीस कोड़ा कोड़ी सागर की वह कितने बांधेगा एकेंद्र जीव, एकेंद्र जीव ज्यादा से ज्यादा चारित्र होने की कितनी बांधेगा वो स्थिति आएगी। तो यहाँ पर एक को चालीस, एक सागर को चालीस कोड़ा कोड़ी सागर से गुना करेंगे और कोड़ी सागर और सत्तर कोड़ा ये प्रमाण राशि से भाग देंगे, फल गुणिले इच्छा भागिले प्रमाण, तो कोड़ा कोड़ी सागर, तो एक कोड़ा कोड़ी जाएगा, ये जीरो जीरो गया, तो एक सागर का चार सप्तमांश भाग, एक सागर में सात टुकड़े करो उसमें से चार भाग ले लो, ऐसा करो, या चार सागर के सात भाग करो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, चार सागर का सातवां भाग करो या एक सागर के सात भाग करना उसमें से चार लेना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर मतलब ज्ञानावरण नहीं, चारित्र मुनि के ना,
अभी एक बार बता दे, चार सागर, एक सागर का सातवां भाग। हाँ ये ठीक, एक सागर का चार सप्तमांश भाग, एक सागर का चार, माने चार सागर का सातवां भाग एक ही हो गया वो। तो चारित्र मोहनीय की एकेंद्र कितने मान देखा स्थिति, एक सागर का चार सप्तमांश भाग, दोनों मतलब चलता है ऐसे, या एक सागर को चार से गुना करेंगे चार सागर हो जाएगा और उसका सातवां भाग, दोनों करके देखो तो वही उत्तर आएगा। और द्विंद्र, अब यहाँ पर सब जगह क्या करना है, खाली एक सागर की जगह 25 सागर रखेंगे तो द्विंद्र क्या आएगी, तो 25 सागर का चार सप्तमांश भाग, 25 सागर गुनीले 4 बटे 7, मतलब इसका क्या हो गया 100 सागर का सातवां भाग, मतलब ऐसा देखेंगे तो 14 सागर हो जाएगी, 14 से थोड़े अधिक, 7 एक के 7 और 3 रह गए, 7 चौक 28, 14 सागर वह चारित्र होने की, चारित्र इसके 14 सागर से और दो रह गए ना, दो सप्तमांश भाग आ जाएगा उसमें। हाँ रेशम, सब जगह करते नहीं है ऐसा है, खाली लिखते हैं, लेकिन अपने को समझ में आने के लिए अपन ऐसा देख सकते हैं कि उसके वो चारित्र होने के इतने बांधे हैं। और त्रिंद्र जो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 सागर रखेंगे, फल राशि बदलते जाएंगे ना, ये 40 कोड़ा कोड़ी का ही निकालना है, इधर से ऐसा भी कर सकते हैं एकेंद्र की सबकी निकालो, एक सागर फल राशि कायम रखो और इच्छा राशि बदलते जाओ, वो चारित्र होने की कितने बांधेगा, फिर 30 कोड़ा ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर के कितने बांधेगा। पहले अपना इसी पद्धति से करते तो सबके निकल जाएंगे, 50 सागर गुनीले 4 बटे 7 मतलब कितना आएगा, यहाँ 200 सागर का सातवां भाग, मतलब इससे दोगुनी हो जाएगी ना, 28 सागर से कुछ अधिक। फिर चतुरेंद्र जीव 100 सागर गुनीले 4 सप्तमांश, सबको चार, हाँ तो 400 का सागर का सातवां भाग। और इसके असौदी जीव 1000 सागर का चार सप्तमांश भाग, बराबर 4000 का, मतलब ये 14 सागर से कुछ अधिक, दो सप्तमांश अधिक करेगा, ये 28 से अधिक करेगा, 4 सप्तमांश ये 56 से कुछ अधिक करेगा, 56 सागर से, और यह 500 सागर से भी अधिक हो जाएगी ना, 4 7 5 35, 7 9 37 49 आणि 10 राहिले ना, 7 1 7 ते 571 सागर से थोड़ा अधिक होगा बंद। वैसा मतलब भाव भाषण होने के लिए खाली निकलने अपने, मतलब ऐसा हमेशा कहते हैं 1000 सागर का चार सप्तमांश, 100 सागर का चार सप्तमांश, लेकिन वो कितना होता है वो थोड़ा सा ये जब करते हैं ना, तो फिर वहां पर स्थिति बंध अपसरण होता जाता है शपक श्रेणी पर, तो कैसा स्थिति बंध कम होता जाता है समझ में आता है वहां पर। ऐसी है ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और वैद्य, इनके स्थिति बंध करेंगे तो यहाँ पर क्या करना, प्रमाण राशि 70 कोड़ा कोड़ी, फल राशि 1 सागर और इच्छा राशि बदलेंगे अब, इच्छा राशि 30 कोड़ा कोड़ी, तो इसका कितना आएगा, 1 सागर का 3 सप्तमांश भाग, ये 40 हो इसलिए 4 सप्तमांश है, ये 3 सप्तमांश आएगा ऐसे, हाँ 1 सागर का 3 सप्तमांश, 25 सागर का 3 सप्तमांश, माने आप 75 को 7 का भाग दो तो वो आएगा, मतलब 10 सागर से अधिक आएगा, 75 को 7 का भाग देंगे तो, यहाँ
पचास सागर का तीस सप्तमांश मैंने 150 को 7 का भाग दो, इसका 100 सागर का तीन सप्तमांश। और यह हजार सागर का और सौदनी में तो 40 कोड़ा कोड़ी और इसकी 30 कोड़ा कोड़ी फिक्स है, ये 70 कोड़ा कोड़ी, ये 40 कोड़ा कोड़ी और ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ये किसकी है? तीसिये की। तीसिये मतलब चार सब आ गए उसमें, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय चारों कर्मों की हो गए। अब नाम गोत्र की सौदी पंचेंद्र जो कितने बांधता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर बांधता है। तो एक इंद्र जो कितनी बांधेगा? तो वहां सब जगह क्या करना? दो सप्तमोश करना, नाम और गोत्र। एक सागर का दो सप्तमोश, 25 सागर का दोन सप्तमोश, मैंने 50 को 2 से भाग दो, मैंने 50 सागर को 7 का भाग देंगे, गुणित 2, 50 सागर गुणित 2 सप्तमोश, ये 100 सागर गुणित 2 सप्तमोश, 1000 सागर गुणित 2 सप्तमोश, और ये सब इस कोड़ा कोड़ी सागर ऐसे उत्कृष्ट स्थिति बंध है। अब इसमें से जगण स्थिति बंध निकालने के लिए तले का संख्या तो अब कटाएंगे, ऐसा करेंगे ना, एक इंद्र की मिथ्यात्व की इतनी जगण स्थिति है तो उसकी चारित्र होने की जगण स्थिति कितनी होगी? ये जो त्रैराशिक की है वैसे ही एक दिखाती हूँ, बाकी सब ऐसा लगाना। संक्लेश परिणाम है तो उस समय संक्लेश परिणाम है तो पाप प्रकृतियां जो है मतलब जिसकी जितनी ज्यादा बनती है उतनी सब बन सकते हैं वो ऐसा। प्रमाण एक मिनट है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जगन्य स्थिति जिसकी है उसकी जगन्य स्थिति एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग, इतनी जगन्य स्थिति बांधता है तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर वाले की कितनी बांधेगा? तो क्या होगा यहाँ इसी का फिर क्या करेंगे? 4 सप्तमोश करेंगे, जो जो ये जगन स्थिति जो है मिथ्यात्व की उसको 4 से गुना करेंगे और 7 से, क्योंकि यह 40 कोड़ा कोड़ी सागर है तो उसका ऊपर का जेरो और एक कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाएगा और 4 सप्तमोश ही रहेगा। तो जो मिथ्यात्व की जगन स्थिति है उसका 4 सप्तमोश चारित्र होने की होगी, उसका 3 सप्तमोश ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय वेदनी की होगी और उसका 2 सप्तमोश नाम गोत्र की होगी। हाँ कोड़ा कोड़ी ये सब निकल जाएगा तो ये 4/7 आएगा, 3/7 फिर 2/7 ऐसे ही यहाँ पर इसकी भी ये जो स्थिति है उसका 4 सप्तमोश, इसका 3 सप्तमोश, इसका 2 सप्तमोश और इसका 2 सप्तमोश ही होगा। और त्रिंद्र में के लिए वहां से लेकर एक सागर तक ये सब स्थिति की भेद उसमें एक केंद्र में आएंगे, अभी आगे बताएंगे यहाँ पर। मेतं किं होदिति से आदीनम् इदि संपादे शेषा नम इगि विगले सुभयठेदि। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले की
इतम इतम इतनी मात्रा, मतलब एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर इतनी बांधता है। तो तीस आदि नम किम हो दी, तो तीस आदि को की कितनी होगी, इधे संपात है। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर, संपात का अर्थ त्रैराशिक लेना, करने पर शेषान मतलब बाकी के कर्मों की, मतलब ज्ञानावरण आदि की इगी विगलेसु मतलब एकेंद्र विकल त्रय में उभय स्थिति मतलब उत्कृष्ट स्थिति और जगण्य स्थिति होती है। उत्कृष्ट स्थिति को भी चार सप्तमोश भाग करो, जगण्य स्थिति को भी चार सप्तमोश, ऐसे सब में ले लेना। अब यहाँ पर जगण्य स्थिति निकालने के लिए वो सूत्र बता रहे हैं, आबादा बताते हैं पहले, फिर जगण्य स्थिति निकालेंगे बाद में। सब कर्मों की आबादा कितनी होती है, मतलब जब कर्म का बंध हुआ तो उस समय यह निश्चित होता है कि इतने काल तक उसका उदय नहीं आएगा, उसके बाद उदय आएगा। तो आबादा काल के बाद उसकी निषेक रचना बनती है, तो वह आबादा कितनी है वो बता रहे चौके एगे अंतो मुहूर्तमा बाहा जेठे संखे जगुणा आवलि संखम असंख भाग हियम। परिणाम अलग अलग है, आठों कर्मों के जो स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम समान नहीं है, एक ही परिणाम से सबकी स्थिति नहीं बंधी जाती है। आठों कर्मों का उदय चल रहा है, उसके उसके उदय के अनुसार उसका परिणाम भी चल रहा है। तो मिथ्यात्व तीव्र है तो आचारित्र मुनिय मंद है, ऐसा हो सकता है। जैसे अभी कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसका देखते हैं अपन कि वो मिथ्या मान्यता तो उसकी बहुत जबरदस्त है, लेकिन कषाय जो है वो कम है उसके, ऐसा भी हो सकता है। ज्ञानावरण का शोभशम ज्यादा है तो उसके ज्ञानावरण का उदय भी कम हो सकता है, अज्ञान ऐसा। आबादा बता रहे थे यहाँ पर, तो असन्नी असन्नी चौके सौदनी और असौदनी चतुष्कमी और एगे मतलब एक केंद्र में, ऐसा क्रम लेना है यहाँ पर। अंतो मुहूर्तम आबाहा अंतर्मुहूर्त आबादा है, और जेठे उत्कृष्ट आबादा, संखेज्य गुणा आवली संखम असंख भागयम, और एक से दूसरे की लगाना वो संख्यात गुणी अवली का असंख्यात उत्कृष्ट आबादा नीचे बताई, ऊपर जगन आबादा बताई कि सौदी और असौदी चतुष्क और एक केंद्र में जगन आबादा अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट में क्या करना जगन्य को संख्यात से गुना करो तो उत्कृष्ट आबादा आते हैं। और उसमें किसमें सौदी में और असौदी चतुष्क में अवली का संख्यात भाग अधिक करना जगन्य में, और एकेंद्रिय में अवली का असंख्यात भाग अधिक करना। पहले लगाते तो फिर वो गाता जल्दी लगती है। अंतकोड़ाकुड़ी सागर की जो स्थिति बांधी जाती है सबकी आबादा अंतर्मूर्त होती है, लेकिन इसकी छोटे अंतर्मूर्त होगी एकेंद्र की उत्कृष्ट, ये जगन्य आबादा है। द्विंद्र की इससे भी बड़ी होगी क्योंकि 25 सागर है, इसलिए उसकी आबादा थोड़ी बड़ी आएगी। उससे त्रिंद्र की और संख्यात गुना, तो यहाँ पर खाली अंक दिया है, हाँ ऐसा किया है बराबर, इसकी 25 सागर है तो 50 गुनी किए हैं, इसकी 50 गुनी, इसकी 100 गुनी, इसकी 1000 गुनी, मतलब इसके मतलब असौदी पंचेंद्र की 1000 गुनी है, चतुर्द्र की 100 गुनी बताए थे, और सौदनी की तो 7000 वर्ष है ना उत्कृष्ट आबादा, हाँ जगन्य आबादा उसमें अंतकोड़ाकोड़ी सागर के अंतर्मूर्ति होगी बराबर। तो यहाँ केवल संख्या से गुना किया है, जगन्य उत्कृष्ट जो है 7000 वर्ष है, वो बड़ा ये हो जाएगा। कहाँ पर हाँ वो यहाँ पर इसके अनुपात में नहीं है ना, इसलिए किया नहीं, इसकी तो अंतकोड़ाकोड़ी सागर बहुत बड़ी है ऐसा। मतलब इससे संख्यात गुणी ही है लेकिन वो बहुत संख्यात गुणित है। और इसकी एक मिनट, ये जगन्य आबादा वो पहले उत्कृष्ट स्थिति और फिर बाद में जगन्य स्थिति निकाली थी ना, तो मेरे को बार बार ये हो रहा है कि पहले उत्कृष्ट आबादा और फिर जगन्य आबादा निकाल रहे, ये जगन्य आबादा है।
हूँ। जगन आबाद और उत्कृष्ट आबादा निकालने के लिए क्या करना, इसको एक केंद्रीय में आवली का असंख्या तो अभाग अधिक करना, ये अंतर्मूर तो जगन आबादा में आवली का संख्या तो अभाग अधिक करना, क्योंकि जो जगन स्थिति है उससे उत्कृष्ट स्थिति पल्ले का असंख्या तो अभाग अधिक है ना। एक सागर में पल्ले का संख्या तो अभाग कम किया तो जगन स्थिति आई, फिर उत्कृष्ट स्थिति कैसे निकालेंगे, उसमें पल्ले का संख्या तो अभाग जोड़ेंगे तो एक सागर हो जाएगी पूरी, तो उसकी जो आबादा है वो केवल आवली का संख्या तो अभाग बढ़ जाती है उत्कृष्ट स्थिति की आबादा। मैंने एक सागर जहाँ स्थिति बंधेगी तो वहां ये आबादा बंद हो जाएगी, जगन आबादा से आवली का संख्या तो अभाग अधिक उतने उसके वो होते हैं सब। किसके पल्ले का संख्या तो भाग वर्ष यहाँ का स्थिति बंद हुआ है। आवली का संख्या तो भाग किसी की आबादा नहीं होती, कम से कम आवली तो होती है आबादा इतना, वो अभी बताएंगे कि मतलब इतने स्थिति भेदों में इतनी आबादा, तो आबादा के उतने विकल्प हो जाएंगे ना, आबादा विकल्प इतने हो जाएंगे वो आवली के ऐसा, हाँ आबादा विकल्प इतने होंगे, ये जो आदि करते ना अपन इतने आबादा विकल्प हो जाएंगे। द्विन्द्रिय की जो है जो उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट आबादा है, धीरे धीरे जाएंगे तो सब क्लियर होता जाएगा विषय, तो इसमें कितना कम ये करना है, आवली का संख्या तो भाग है ना, हाँ संख्या तो, और बाकी सब में संख्या तो भाग लेना है, तो यहाँ पर भी वो छोटा बड़ा होगा, तो यहाँ आवली को चार बार संख्या से भाग देंगे इतना अधिक है, हाँ तो एक छोटे ही संख्या प्लस की है, आगे बड़ी बड़ी संख्या प्लस करेंगे क्योंकि वो स्थिति बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर ये लिखने की आचार्य की पद्धति माथे पर अधिक की संख्या लिखते हैं, तो अंतर्मूर्त इसमें आवली का संख्या तो अभाग अधिक किया, ये अंतर्मूर्त 25 और इसमें ये अधिक किया ऊपर चार का, ऐसा चार बार लिखा तो भी चलेगा या चार बार लिख चार संख्या लिखे तो भी चलता है। त्रिंद्र की जो आबादा है वो अंतर्मूर्त 50 है, उसमें इसका इससे बड़ी संख्या मिलाना है तो भाग हर इसका छोटा होगा, तो तीन बार संख्या करेंगे उससे। चतुरिंद्र जो है सौ अवली का संख्या तो भाग, और हजार गुना है और उसमें आवली का संख्या तो भाग, मैंने इसके स्थिति भेद भी ज्यादा है फिर आबादा भेद भी ज्यादा होंगे ना यहाँ पर, जितने आबादा भेद हुए जगन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक ये सब निकल जाएंगे इसमें, एक एक समय से आबादा बढ़ती है ना, तो इतने ही अभी आबादा भेद निकालेंगे इतने ही आएंगे जितने अपन बढ़ाए हैं उतनी ही। और पंचेंद्र जो है उसमें संख्या दुगुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो 7000 वर्ष है ना उत्कृष्ट आबादा सऊदी पंचेंद्र की, तो जो जगन है अंतर्मूर्त है, और कितने अंतर्मूर्त हो जाएंगे 7000 वर्ष में, संख्यात ही अंतर्मूर्त होंगे, इसलिए संख्यात गुना उतना संख्यात गुना करो, एक छोटा अंतर्मूर्त उसको उस अंतर्मूर्त कितने, मतलब ये अंतर्मूर्त नहीं समझना, संख्यात हजार वर्ष समझना, ये जो इसको है ना चार संख्या मानी यहाँ पर, तो जिस संख्या से भाग दिया है इसमें वर्ष आ जाएंगे इतनी बड़ी करेंगे, क्योंकि अभी एक दिन में अंतर्मूर्त अभी वो संख्यात होंगे, एक साल में भी अंतर्मूर्त संख्यात होंगे, 10 वर्ष में भी संख्यात ही होंगे, और 7000 वर्ष में भी संख्यात होंगे, तो जिस संख्या को अंतर्मूर्त से गुना करने पर 7000 वर्ष आता है उस संख्या से वहां गुना करना है, इसलिए उसकी संतुष्टि है चार माने।
सब क्या अबाध अंतरंग होता है ऐसे, ये भी थोड़ा सा स्थूल कथन है, वो बड़ा अंतर कोड़ा कोड़ी सागर होता है ना, उसकी थोड़ी बड़ी होती है अबाधा। हाँ, अंतर्मूर्त से भी बड़ी होनी चाहिए। वो अंतर्मूर्त अबाधा किसके आते है, उसका वो प्रमाण निकाला था का जीव कांड में आया था, वो बहुत छोटा अंतर कोड़ा कोड़ी सागर होता है तो उसकी वो अपन जो अंतर्मूर्त कहते वो आती है अबाधा, उससे जो बड़ा होता है ना उसकी ज्यादा होती है अंतर्मूर्त से। ये सामान्य कथन है बोध के अंतर्मूर्त आबादा होती है ऐसा, वो तो ये तो सब कम ही है, ये अंत कोड़ा कोड़ी सागर बहुत कम है तो इसकी अंतर्मूर्त ही आएगी। वो छोटा ही अंतर्मूर्त होगा। तो यहाँ पर ये उत्कृष्ट आबादा बताइए और ये जगन्य आबादा बताइए, अब इसके बाद वो ये निकालेंगे। कौन सा वो बादर पर्याप्त जीव ही, वो सब अभी डिटेल आने वाला है, सब आगे शाला का भेद और स्थिति भेद सब आएंगे। तो यहाँ पर मतलब जगन स्थिति की जगन आबादा होगी, उत्कृष्ट स्थिति की उत्कृष्ट आबादा होगी, बीच की स्थितियों की बीच की आबादा भेद आएंगे वहां पर। तो यहाँ अभी आबादा विकल्प निकालना है, मतलब कुल आबादा विकल्प कितने हुए, जगन स्थिति निकालने के लिए ये आबादा भेद की जरूरत होती है। तो ये जगन आबादा रहे उत्कृष्ट थोड़े अधिक स्थिति है तो उसकी आबादा बढ़ेगी, उससे भी स्थिति ज्यादा है तो उसकी एक समय और बढ़ेगी, उससे भी अधिक स्थिति है तो उसकी एक समय और बढ़ेगी, और सबसे एक सागर स्थिति बंद करता है तो उसकी ए होगी आबादा। तो सब आबादा भेद कितने हुए ये निकालना है। तो उसमें अंत माइनस आदि बटे वृद्धि, मतलब जितने से बढ़ता गया प्रमाण उसका भाग देंगे और इसमें एक मिलाएंगे, जो आदि घटाई होती है ना उसका एक भेद ग्रहण करने के लिए एक मिलाते हैं, तो कुल विकल्प आते हैं बराबर, मतलब सब आबादा विकल्प आएंगे। तो जैसे अपन उदाहरण लेंगे, समझो ये जगन्य आबादा 12 समय है और ये उत्कृष्ट आबादा 16 समय है, तो यहाँ 16 को माइनस 12 करेंगे, वृद्धि एक की है, एक से बढ़ता गया है इसमें एक मिलाएंगे, 16 में से 12 गए कितने हुए 4, और एक का भाग दिया तो 4 ही आया और एक प्लस करेंगे तो 5, मतलब 12 13 14 15 16 ऐसे 5 आबादा विकल्प हुए ना 12 से लेकर 16 तक। तो ऐसे ही अर्थ संतुष्टि में लगाना कि अंतर्मूर्त जगन ये उत्कृष्ट आबादा पहले लाना है, वहां पर नोट्स में थोड़ा उल्टा हो गया इसलिए वहां लिखा हुआ है, तो उत्कृष्ट आबादा पहले लिखेंगे क्योंकि अंत संख्या पहले लिखते हैं, तो अंतर्मूर्त प्लस अवली का असंख्यात्व भाग, इसको माइनस क्या करना है अंतर्मूर्त, इसमें से माइनस करके इसमें एक का भाग देंगे और एक में लाएंगे। तो यहां पर ये अंतर्मूर्त और ये अंतर्मूर्त समान है, तो इसलिए इसमें से निकल गया क्योंकि माइनस है ना, प्लस और ये माइनस है तो वो निकल गया उसमें से, और यहाँ इतना रह गया तो हाँ उसमें एक अधिक करें, ये एक अधिक करेंगे तो अवली का असंख्यात्व भाग अधिक एक, इतने आबादा विकल्प हो जाएंगे। ये जो उत्कृष्ट आबादा में अपन ने जितना मिलाया ना उसमें एक जगह ने आबादा मिलाओ तो वह आबादा विकल्प निकल जाते हैं, सब जगह ऐसा ही होगा। यहाँ पर ये अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त 25 अंतर्मूर्त 25 अंतर्मूर्त माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें से संख्या माइनस करना है और एक जोड़ना है, तो जो कुछ यहाँ अपन ने अधिक किया है जैसे अब यहाँ समझो 12 है
और ये उत्कृष्ट करने के लिए क्या किया अपन ने, चार मिलाया, ये मैंने चार है ऐसा समझो, तो चार में एक जोड़ा पांच किया वो आबादा विकल्प आए। ऐसे यहाँ पर जो अधिक संख्या की है उसमें एक जोड़ो द्विंद्रेक के आबादा विकल्प आएंगे, क्योंकि जगन्य से एक एक ही बढ़ाना है ना, तो जितनी संख्या अपन ने मिक्स की है उतने आबादा विकल्प होंगे और ये जगन्य आबादा एक मिलाएंगे उसमें। तो इस प्रकार यहाँ पर कितने आबादा विकल्प होंगे, ये जो जो अधिक संख्या है इसमें एक एक जोड़ो तो उतने आबादा विकल्प होंगे, जगन्य से जितनी बड़ी हुई संख्या है उसमें एक एक मिलाएंगे। तो इसके ऊपर सब ने क्या किया, एक अधिक किया। ये दोनों माइनस हो गए और उसमें एक अधिक करो सब में बस। आवली का संख्या तो भाग एक अधिक एक इंद्रिय के आबादा विकल्प, ये आबादा विकल्प हो गए। सब जब ऐसा रख करके करेंगे वो तो वही उत्तर आने वाला है। तो एक अधिक एक अधिक ये सबके आबादा विकल्प निकल गए। इसको अभी अपने को रखना है बाजू में, उनके अभी जगन स्थिति निकालने के लिए वो आबादा विकल्प उसके लिए निकाले हैं। मतलब अब उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है तो जगन स्थिति कितनी होगी, इसको निकालने का सूत्र बताया है कि किसी भी कर्म की जगन स्थिति निकालने के लिए सूत्र वह उपयोगी है। आबादा विकल्प माने क्या अभी आबादा कांडक भी लेना है तो उसके मतलब आबादा विकल्प मतलब ये समझ में आए कि जगन्य आबादा से लेकर उत्कृष्ट आबादक एक एक समय बढ़ाते जाओ वो सभी प्रकार की आबादाओं के उतने विकल्प हो गए। अब जगन स्थिति कैसे निकालना उसके लिए सूत्र बता रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति इसको मिटाते हो अपने नोट्स में है सामने और दिमाग में भी है। अभी यहां तो बता दिया था आचार्य ने कि उत्कृष्ट स्थिति में से पल्ले का असंख्या अथवा भाग घटाओ तो जगन स्थिति आती है, लेकिन उसको निकालने का सूत्र बता रहे कि जगन स्थिति कैसे आती है। तो उत्कृष्ट स्थिति भागेले आबादा उत्कृष्ट आबादा, उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग देते हैं तो आबादा कांडक निकलता है। आबादा कांडक का अर्थ क्या करेंगे, आबादा कांडक मतलब अब यहाँ पर हाँ जैसे अभी यह उदाहरण अंक संदृष्टि से लिया कि उत्कृष्ट स्थिति 64 समय है और उत्कृष्ट आबादा 16 समय, मतलब 64 समय स्थिति बांधी तो 16 समय उसकी आबादा होती है तो लब्ध कितना है 4। मतलब इसका अर्थ हुआ कि 64 से लेकर 4 स्थिति भेदों में समान आबादा आएगी, तो जितने स्थिति भेदों में समान आबादा होती है उसको कहते हैं आबादा कंटक। तो उत्कृष्ट स्थिति से लेकर जगन स्थिति तक उतने वो आबादा के विकल्प है, उतने उतने स्थिति भेदों में एक एक आबादा करके ऐसे वो निकल जाएंगे हैं कांडक। तो मतलब 64 63 62 और 61 सबकी आबादा कितनी होगी, जैसे मैंने अभी 64 समय की स्थिति बांधी तो उसकी आबादा कितनी छोड़ी 16 समय और 17 समय से लेकर के 64 तक उसकी निषेक रचना हुई। अब वापिस में 63 समय की किसी ने समझो स्थिति बांधी तो उसकी भी जो निषेक रचना होगी वो 16 समय छोड़कर ही 17 से 63 तक होगी उसकी निषेक रचना।
और किसी ने 62 समय बांधे, समझो स्थिति, तो उसकी भी आबादा 16 ही होगी और 62 तक उसकी निषेक रचना होगी। और किसी ने 61 बांधी तो उसकी भी 16 समय ही आबादा होगी, 17 से उसकी निषेक रचना होगी, 61 तक उसकी निषेक रचना होगी। तो यहाँ अलग अलग स्थिति बांधी है लेकिन सभी की आबादा समान है, 16-16 ही है। अब यदि कोई आगे 60 समय की स्थिति बांधता है तो उसकी आबादा और एक समय कम हो जाती है, तो वह 15 समय की हो जाएगी और 16 समय से लेकर 60 तक की उसकी निषेक रचना होगी। इस प्रकार चार चार स्थिति भेदों में आबादा समान है। अपने को लगता है कि थोड़ी स्थिति बदल गई तो आबादा बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति है तो उसमें 7000 वर्ष से भाग देंगे और जो लब्ध आएगा उतने स्थिति भेदों में 7000 वर्ष ही आबादा रहेगी। फिर उसके नीचे आएंगे 70 कोड़ाकोड़ी सागर में 7000 का वर्ष का भाग देने पर जो लब्ध आएगा वह 70 कोड़ाकोड़ी, मतलब वो ऐसा ही लिखते हो, 70 कोड़ाकोड़ी सागर भागिले 7000 वर्ष। तो कुछ मुझे ऐसा याद नहीं है, पल्ले के संख्यात्मक भाग या संख्यात्मक भाग ऐसा उत्तर आता है, पल्ले का संख्यात्मक भाग आता है शायद उसका उत्तर। तो उतने स्थिति भेदों में समान 7000 वर्ष होगी। फिर उसके नीचे के उतने ही आबादा भेदों में, उतने स्थिति भेदों में 7000 वर्ष में एक समय कम आबादा होगी। फिर उतने स्थिति भेद नीचे जाएंगे तो फिर 7000 वर्ष में दो समय कम आबादा होगी। ऐसा करते 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 नीचे आएंगे और सबसे कम वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर होगी, तो वहां पर अंतर्मुहूर्त केवल, मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागर तक आएंगे तो 100 वर्ष की आबादा हो जाएगी। ऐसा कम करते 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 ऐसे तो अनेक स्थिति भेदों में समान आबादा होती है, तो उसको आबादा कांडक कहते हैं। हाँ, तो मतलब इतनी स्थिति भेद लेना जो आबादा कांडक का प्रमाण आया ना। इसका नाम आपने आबादा कांडक दिया, जब भी हम नाना स्थितियों को कलेक्टिव के लिए एक आबादा डालते हैं तो इसका नाम से पहले नहीं करता ना आबादा कांडक। इससे स्थिति कांडक होता कुछ होता, मतलब नाम आबादा कांडक तो एक ही आबादा पड़ रही है नाना स्थितियों के नाम देते हैं। वो आबादा कांडक मतलब इतने स्थिति भेद लेना, वहां पर स्थिति स्थितियों का पूंजी लेना। वही बता रहे हैं, सब जगह अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ आबादा कांडक का अर्थ जितने स्थिति भेद है समान आबादा है उसके आबादा कांडक नाम होगा उसका। नहीं, उतने स्थिति भेद कांडक का अर्थ उतने स्थिति भेद दोनों। हाँ, जितने स्थिति विकल्पों की समान आबादा होती है उतने स्थिति भेद वो आबादा कांडक है। हाँ, स्थिति भेद निकाल। अब यहाँ जगन स्थिति निकालने की पद्धति बताते हैं, मतलब ये ऐसे तर्क से भी बराबर अपने को समझ में आएगा कि यहाँ आबादा कांडक निकले। फिर जगन स्थिति निकालने का सूत्र क्या है, जितने स्थिति भेदों में समान आबादा होती है उतने स्थिति भेदों के पुंज को आबादा कांडक कहेंगे। हाँ, वो पूरा अर्थ बोलना, खाली जितने स्थिति भेदों में समान आबादा है वो लिखा हुआ है नीचे, नीचे लिखा आबादा कांडक का अर्थ नोट्स में 46 नंबर पेज पर है। उतने स्थिति विकल्पों को एक आबादा कांडक कहते हैं। तो उत्कृष्ट स्थिति में से अभी अपना ये है, अभी मैंने बताया था कि उत्कृष्ट स्थिति से जितनी स्थितियों का एक आबादा होती है फिर उसके नीचे उतने ही स्थिति भेदों में समान आबादा, तो आबादा के अपने जितने विकल्प बने और कांडक बने उसको गुना करो और वो घटाओ, जगह स्थिति निकल गई ना, नए सूत्र बन गए ना, मतलब 64 से 61 तक समान आबादा है तो उसके कितने आबादा है 16 है, फिर उसके नीचे उतने ही स्थिति भेदों में समान आबादा है,
फिर उसके नीचे उतने ही स्थिति भेदों में समान आबाद आयत, और एक एक समय हम कम करते जाते हैं, तो जितने आबादा विकल्प है उसको आबादा कांडक से गुना करो और उत्कृष्ट स्थिति में से माइनस करो, जगन स्थिति आ जाएगी ना, क्योंकि चार 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 आबादा विकल्प कितने हैं, पांच है, अभी निकालो अंक संदृष्टि से पांच है, तो और आबादा कांडक कितना है, चार है, तो चार स्थिति की एक आबादा, चार स्थिति की एक आबादा, चार स्थिति की एक आबादा, लास्ट में आएगी वो जगन स्थिति आएगी ना, लास्ट के कांडक में जो सबसे आएगी तो वो जगन स्थिति आएगी। अभी बताती हूँ, उत्कृष्ट स्थिति माइनस, ये अभी सूत्र लिखती हूँ पहले, आबादा कांडक गुणिले आबादा विकल्प करो, तो स्थिति के भेद आ जाएंगे ना उतने, एक एक आबादा कांडक में जितनी स्थिति आए वो आबादा कांडक है, और आबादा विकल्प जितने हुए उतना उसमें से गुना किया तो सब स्थिति भेद आ गए ना उसमें, तो स्थिति भेद आ गए इसको करेंगे तो विकल्प, ये पूरे स्थिति भेद आ जाते दीदी, ये आबादा कांडक को आबादा विकल्प से गुना करते पूरे स्थिति भेद आते, अपने को जगह स्थिति निकालना है इसलिए वापस एक कम करना पड़ेगा। आबादा कांडक से आबादा विकल्प को गुना किया तो सब स्थिति भेदों की संख्या आ जाएगी ना, माइनस करते हैं एक माइनस एक बराबर जगन्य स्थिति, मतलब जगन्य स्थिति निकालने का ये तरीका हो गया, मतलब लॉजिक बोलते ना, मुझे लॉजिक हो गए कि उत्कृष्ट स्थिति में से जितने स्थिति भेद है वो कम किया हमने, सीधा सीधा है, क्योंकि आबादा कांडक को आबादा विकल्प से गुना करेंगे तो स्थिति भेद ही निकलेंगे ना, क्योंकि इतने स्थिति भेद की एक आबादा, इतने स्थिति भेद की दूसरी आबादा, तीसरी आबादा, तो जितने आबादा विकल्प उसको आबादा कांडक से गुना किया तो स्थिति भेद निकल गए, तो उत्कृष्ट स्थिति में से हमने स्थिति भेद पूरे कम किए तो क्या हो जाएगा, वो उसे एक अभी समझाना है ना, अभी बताना है, 64 स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है, माइनस आबादा कांडक अभी निकाला था प्रमाण 4, आबादा विकल्प 5, और उसमें इसमें एक नहीं कम करना, ये एक यहाँ गलत हो गए, तो मुझे वो जंबलिंग हो गया यहाँ पर, इसमें से एक कम करना है, पूरा कम करेंगे तो वो जगन स्थिति भी कम हो गई ना उसमें, इसलिए एक कम करके कम करना है, इसमें माइनस एक करके फिर इसमें 64 से कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20, 4 गुने ले 5, 20 माइनस एक 19, एक एक नहीं कम करते हैं तो जगन स्थिति भी उसमें से कम हो जाती ना, तो इससे एक कम करके फिर कम किया तो लास्ट की स्थिति आएगी ना वहां पर, ये पूरे स्थिति भेद कम किए तो जगन स्थिति भी कम हो गई ना उसमें से, इसलिए वो जगन स्थिति का जो एक विकल्प है वो आने लाने के लिए इसमें से एक कम करेंगे स्थिति भेद में से, तो कितनी आई 45, सबसे उसकी जगन स्थिति कितनी हो गई 45, तो स्थिति भेद कितने हो गए 20 हो गए ना, 4 गुणित 5, तो 45 से लेकर के 64 तक कितने होते हैं 20 होते हैं, तो इस प्रकार वो निकाला है, मतलब उत्कृष्ट स्थिति में से आबादा कांडक गुणिले आबादा विकल्प में से एक कम करके माइनस करो तो जगन स्थिति आती है, तो इस प्रकार सभी का निकालेंगे। पहले क्या निकालना सबका, आबादा कांडक, आबादा कांडक कैसे आता है, उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से गुना करते हैं, भाग देते हैं, गुना बोला क्या मैंने, उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग देना तो क्या निकलता है, आबादा कांडक, इसका अर्थ क्या, इतने स्थिति भेदों में समान आबादा होगी, फिर उतने स्थिति भेदों में दूसरी आबादा होगी, फिर उतने स्थिति भेदों में तीसरी आबादा होगी, इस प्रकार वो आबादा कांडक बनेंगे,
और उसमें फिर जो आबादा कांडक का प्रमाण आया उसको आबादा विकल्प से गुना करके एक कम करके वो उत्कृष्ट स्थिति में से घटाना, तो क्या आती है? जगन स्थिति आती है। लाइक कैसे कैसे सूत्र आचार में बताए बनाए हैं वो समझ में आता है। तो यहाँ पहले आबादा कांडक निकालेंगे। उत्कृष्ट स्थिति एक केंद्र की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक सागर है। जगन स्थिति निकालनी है अपने को। आबादा कांडक पहले वहां निकाला, फिर जगन स्थिति निकाल। ये आबादा कांडक निकालेंगे पहले। आबादा कांडक कैसे निकालेंगे? उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग देंगे। तो एकेंद्र की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक सागर है। तो एक सागर मतलब संख्या पल्ले है, इसको पल्ले में रूपांतरित करके करते गणित, तो संख्या पल्ले, एक सागर के 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, तो संख्या पल्ले हुए। और इसको उत्कृष्ट आबादा, उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण दिया था, उसमें कितना आया था? अंतर्मूर्त और कुछ अधिक, मतलब अवली का संख्या तो अभाग अधिक किया था ना यहाँ पर। ये उत्कृष्ट आबादा थी, एक सागर की आबादा अंतर्मूर्त में अवली का असंख्या तो अभाग अधिक ये दिया था। तो यहाँ पर क्या किया? यहाँ ये अवली है और ये अवली है, इसमें क्या किया? संख्यात में एक का संख्या तो अभाग अधिक हो जाएगा, ये अवली अवली सदृश है ना, और यहाँ ये संख्यात गुना है और ये असंख्यात का भाग है यहाँ पर। तो यहाँ अंतर्मूर्त में ऐसा समझो कि ये कुछ अधिक कर दिया, ऐसा समझो तो भी चलेगा। अंतर्मूर्त में ये अवली का असंख्यात भाग अधिक किया, मैंने ये संख्यात में कुछ अधिक किया, ये बड़ी संख्या है और ये बहुत छोटी संख्या है, अवली का असंख्यात भाग है। तो यहाँ पर एक का संख्या तो भाग इतना इसमें अधिक हो जाएगा संख्यात में, अवली अवली जैसे अवली अवली करेंगे, अवली और एक का संख्या तो भाग, तो ये अवली अवली समान निकलेगी यहाँ पर, और इस संख्यात में एक का संख्या तो भाग अधिक हो जाएगा ये। मतलब वो ऐसा सामान्य से समझो तो भी चलेगा कि इस अंतर्मूर्त में अवली का संख्या तो भाग अधिक किया है, लेकिन यह संख्यात गुणकार में कुछ अधिक, मतलब एक का संख्यात भाग अधिक किया है ऐसा। तो यहाँ आबादा कांडक का प्रमाण क्या आया? संख्यात पल्य भागिले ये अंतर्मूर्त कुछ अधिक। अलग लक्ष्य थे नहीं अलग। इसमें क्या किया? ये उत्कृष्ट स्थिति का रूपांतर क्या किया? सागर का पल्य में रूपांतर किया, तो कितने पल्य हुए? संख्यात पल्य। और आबादा कितनी है उसकी? अंतर्मूर्त अधिक अवली का असंख्यात्व भाग। तो इसमें अवली अवली सदृश निकाल करके एक का असंख्यात्व भाग इस संख्यात में मिलाया, तो यहाँ संख्यात में कुछ अधिक किया ऐसा समझो, या पूरे ही अंतर्मूर्त में अवली का असंख्यात्व भाग अधिक करो कुछ, तो एक ही आया उत्तर। तो वे संक्षेप में निकालने के लिए ऐसा किया उन्होंने, ये क्या निकला? आबादा कांडक, एक केंद्र के आबादा कांडक निकले। इतने स्थिति भेदों में संख्या पल्ले को अंतर्मूर्त से भाग देंगे, इतने स्थिति भेदों में वहां पर समान आबादा होगी, आबादा कांडक। अब क्या निकालना है? जगन स्थिति निकालना है। तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक सागर, मतलब संख्या पल्ले, हाँ, इसमें माइनस ये आबादा कांडक, संख्यात पल्य भागेले अंतर्मूर्त कुछ अधिक, और आबादा विकल्प अभी निकाले थे सबके, तो एकेंद्र के कितने निकले थे? अवली भागेले असंख्यात और एक अधिक। नहीं, एक अधिक क्यों लिखेंगे? नहीं, लेकिन कॉमन नहीं निकलता ना, ये अवली का असंख्या तो भाग है ना। एक अधिक नहीं लिख सकते उसमें,
एकाधिक क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक पूरा नहीं है यहाँ पर, एक का असंख्यात्व भाग है इसलिए पूरा एक नहीं लिखते। हाँ, तो यहाँ पर ये आबादा विकल्प अपन ने निकाले थे, जितने वो जग आबादा मिक्स की थी ना उसमें एकाधिक करके वो आबादा विकल्प निकाले थे केंद्रीय के, अभी निकाले थे ना पांचों के सबके, कितना आवली का असंख्यात्व भाग अधिक एक, तो इसको आबादा विकल्प से गुना किया और इसमें क्या करना है माइनस एक। तो इसका उत्तर कितना आएगा? यहाँ पर ये आवली है, समझो ये आवली है और ये संख्यात संख्यात गया, तो कितना आया पल्ले का असंख्यात्व भाग माइनस एक है उत्तर, पल्ले का असंख्यात्व भाग माइनस एक, उत्कृष्ट स्थिति में से कम करो। हाँ, पहले अपन ने निकाले था ना एक सागर में पल्ले का असंख्यात्व भाग माइनस किया और एक घाटी क्यों किया, तो यहाँ पर समझ में आए संख्या पल्ले मतलब ही एक सागर है, ये भागले नहीं मुझे एक सागर मनाए, एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग और एक घाटी, घाटी प्लस ते गेलो म्हणून समजायचं, हे तर ये जो भाग है ना वो गया समजना वहां पर। हाँ, किसके ऊपर? हाँ वो मतलब वो आवली में एक की ज्यादा वालों ने ना, मतलब ये इसका ऊपर उत्तर निकालेंगे तो पल्ले का असंख्यात्व भाग उत्तर आएगा, तो ये सामान्य रूप से भाग दिया मैंने, ऐसा पूरा वो भाग नहीं, लेकिन इसका करके कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो कितना आएगा पल्ले का असंख्यात्व भाग ही आएगा, वो सामान्य रूप से अपन देखते तो ये आवली आवली है इसमें एक अधिक है तो उसकी वो कीमत होगी और ये संख्यात संख्यात गया तो पल्ले का असंख्यात्व भाग उत्तर आता है और उसमें एक माइनस करना है, इसलिए एक माइनस, तो इसलिए वहां पर जगण स्थिति में कम करते समय एक माइनस करते थे, तो क्यों जो एक माइनस किया तो इसका ये उत्तर है यहाँ पर। मतलब एक केंद्रों में स्थिति भेद कितने होंगे? पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण होंगे, अभी मैंने बताया ना आबादा कांड को आबादा विकल्प से गुना करते तो स्थिति भेद आते हैं, तो जो स्थिति जितनी अपने घटाई उत्कृष्ट स्थिति में से जितनी स्थिति घटाई, कितनी घटाई? पल्ले का असंख्यात्व भाग घटाई, तो उतने ही क्या हो जाते हैं वहां पर स्थिति भेद हो जाते हैं। अभी किया था ना 64 में से अपन ने क्या किया कि 45 घटाया तो क्या आएगा वहां पर 16 उत्तर आएगा, तो नहीं चौसठ में से 45 घटाएंगे, मैं वो दूसरा बोल रही थी 45 घटाए, हाँ तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा ना वापस, एक जोड़ेंगे ना वहां पर स्थिति भेद के लिए, एक जोड़ेंगे स्थिति भेद के लिए एक जोड़ते हैं बराबर है, तो ऐसे वैसा निकालो या आबादा कांड गुने लिया आबादा विकल्प बराबर भी स्थिति भेद आते हैं। तो यहाँ पर अपन ये किया और एक ये नहीं है, खाली आबादा कांड का और आबादा विकल्प को गुना करते हैं तो कितना लब्ध आता है पल्ले का असंख्यात्व भाग आता है, उतने स्थिति भेद होते हैं। लय केंद्रों में स्थिति के भेद कितने होंगे? पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण और उसको उत्कृष्ट स्थिति में से घटाते हैं और उसमें और एक कम करके घटाते हैं तो जगन स्थिति आती है, मतलब जितने स्थिति भेद है ना उसमें एक कम करो और उत्कृष्ट स्थिति में से कम करो तो जगन स्थिति का प्रमाण आता है। तो यहाँ इसको ही आचार्य ने इस पद्धति से लिखा है, हाँ ना 12 समय वो जगन आबादा का प्रमाण है, जगन स्थिति का प्रमाण 45 निकला है, हाँ क्योंकि 64 में से 20 माइनस एक मतलब 19 कम किया तो 45 आ गए, तो इसी को ऐसा लिखा है सागर में से घटाओ, ये घटाने की संदृष्टि ऐसे भी लिखते हैं, घटाने के बहुत सारे चिन्ह दिए हैं आचार्य में, एक ऐसा चिन्ह है एक ऐसा भी देते हैं, एक तो अपन ऐसा करते हैं ये टोपी लगाते हैं ये ऐसा करते हैं,
ये सब घटाने के चिन्ह हैं बहुत सारे, और कभी ये माइनस का भी चिन्ह देते हैं, ऐसा भी देते हैं, ऐसे सात आठ है उसके और उनके संदृष्टि करने के। तो इसी प्रकार सबका निकालना है, तो इसकी जगह अपन ये सूत्र है बना हुआ, इसकी जगह सबका प्रमाण लिखो। द्विंद्रय की जगह उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 25 सागर है। उसको अपन पल्ले में रूपांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, संकेत पल्ले ही हो जाएगा। 25 सागर ऐसे ही रखो तो भी चलेगा ऐसे, लेकिन वो पल्लों में लिखने के लिए करना पड़ता है। अंतर्मूर्त इसकी उत्कृष्ट आबादा कितनी है, 25 गुना अंतर्मूर्त है ना, एक इंद्रिय से ज्यादा, तो 25 सागर को क्या करेंगे, पल्ले में रूपांतर करेंगे तो संख्यात पल्ले आएगा। बराबर ये आबादा कांडक आ गया, इसी नहीं, हाँ बराबर है ना, ये आबादा कांडक है, ये उत्कृष्ट आबादा लिखना रह गया ना, यहाँ पर अधिक अंतर्मूर्त संख्यात का चार बार भाग दिया तो उत्कृष्ट आबादा आते है ना, ये जगन आबादा है द्विंद्रय की, और उसमें अधिक अवलिका संख्यात भाग अधिक करते तो उत्कृष्ट आबादा आती है। तो उत्कृष्ट आबादा से उत्कृष्ट स्थिति में भाग दे करके ये आबादा कांडक आता है। तो आबादा कांडक कैसे आएगा, यहाँ पर संख्यात बल्य और इसमें अंतर्मूर्त जो है 25 अंतर्मूर्त इसमें अधिक करेंगे, तो वहां अधिक किया था वैसा ही यहाँ पर अंतर्मूर्त आवली और आवली समान निकाल करके इस संख्यात गुणकर में इसका जो संख्यात्व भाग है एक का संख्यात्व भाग वो अधिक करेंगे। इसमें कुछ अधिक आएगा, सब जगह ऐसे ही आएगा, उसमें जो अधिक अपने किया है वो इसमें मिलाओ, ये सामान्य रूप से है यहाँ पर। तो ये क्या निकला, आबादा कांडक का प्रमाण। उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर है, 25 सागर, इसमें माइनस आबादा कांडक की अभी निकाला हुआ संख्यात पल्य भागीले अंतर्मूर्त 25 और कुछ अधिक इसमें संख्या, और आबादा विकल्प निकाले थे। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्य मात्र जीव ही हूं, जाने अपने को, बाहर के मैं विकल्पों में न्यायक को भूल गए हैं, जाने अभी न्यायक को ही जानिए, जो इन नियमों को जान रहा था वही तो मैं हूं, मैं ज्ञेय नहीं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, जानने वाला ही हूँ।
मैं कर्म के प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध से अत्यंत भिन्न हूँ। कर्म के स्थिति बंध को जानने वाले शाओपशमिक ज्ञान से भी अत्यंत भिन्न हूँ। जानिए मैं अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, संपूर्ण ज्ञानमय हूँ। जानिए नियम को जानते समय भी मैं ज्ञायक हूँ, स्व निज ज्ञेय को जानते समय भी मैं ज्ञायक ही हूँ। जानिए ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप नियज्ञायक संकर दोष रहित स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा। अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन करना पुराचरण करना सकल कर्म शार्थं भाव पूजा।